करिएगा ताकि सभी बाकी अन्य प्रतिभागी भी उसको सुन सके और उसको मत में ला सके। मैं एक बार डाइट के इस परिसर में अपनी मैम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने पूरे मैम यहाँ आई है तो आपका जो व्यक्तित्व है वो हमारे बच्चों को भी प्रेरणा देगा, हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे आपके व्यक्तित्व से और आने वाले समय में अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। और यही मकसद से हम भी अपने बच्चों को जो 5 साल से प्लस हमारे यहाँ है उनको अच्छा पढ़ाई लिखाएंगे और उनके अच्छे स्वर्णिम भविष्य की हम लोग कामना करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ एक बार मैम का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने कम से कम शब्दों में मैम के लिए, और हाँ जैसा कि सीजीओ मैम की तारीफ में सर ने काफी कुछ कह दिया है, मैम का नाम ही प्रेरणा है जिससे हमें शायद प्रेरणा लक्ष्य भी मुझे सुबह से आ रही है। और इसके साथ ही कोई मैंने एक चीज और नोटिस की, मैम बहुत शांतिपूर्ण व्यवहार को शायद रखते हैं इतना मैं समझ पा रही हूँ। और इसके साथ ही मैं मैम से भी अनुरोध करूँगी कि वो आए अपने आशीर्वचनों से जवान शब्दों के साथ हमें। आदरणीय प्राचार्य राय सर, आदरणीय बीएससी मैडम, मंजा सिंह, समस्त सीनियर लेक्चरर्स, यहाँ पर मौजूद समस्त SRG जो मास्टर ट्रेनर्स हैं जिनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है 4 दिन का प्रशिक्षण बड़े गुणवत्ता पर एक तरीके से कराने का, और यहाँ पर मौजूद समस्त ARPs गाजियाबाद से भी आए और हापुड़ जनपद के लिए आप सभी का अभिनंदन और अपने पत्रकार बंधुओं का भी सादर अभिनंदन करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए और इतना वार्म वेलकम करने के लिए। मैं हमारी संचालन कर रही सीनियर लेक्चरर का भी अभिनंदन करूँगी कि उन्होंने इतने पूनम सिंह जी कि उन्होंने इतने अच्छे से कार्यक्रम का संचालन किया। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आज माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी अभी उद्बोधन दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा DBT जो 1200 रुपये की धनराशि है जिससे स्कूल यूनिफॉर्म, मोजे, स्कूल बैग, जूते